गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो गीता ज्ञान दाता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कराना था, अर्जुन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध से टलने के लिए, ज्ञान में उड़ जा दिया उसको कि भगवान पाप लगता है, कर्म अच्छे करने चाहिए, इस तरह की जब कथा प्रारंभ की तो फिर वो शुरू हो गया, वेदों वाला ज्ञान देने लग गया। उन्होंने सोचा वेदों वाले ज्ञान से तो मेरी पोल पटेगी, साथ में उसने अपना भी मत प्रवेश कर दिया। गीता जी के ज्ञान में कई मंत्रों में स्पष्ट कहता है कि ये तो मेरा मत है और ये अलग से ज्ञान है, ये वेद ज्ञान है और इससे इनसे भी और कोई और ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत सुनाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो वेदों वाला ज्ञान है गीता में वो 100% सत्य है और उसके विपरीत जो ज्ञान है गीता के ज्ञान से कुछ और घुसोड़ रखा उसने, जैसे तो युद्ध कर ले तेरा पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये सब मैंने ही मार रखे हैं, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और फिर वो पाप लगे, अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह इस काल भगवान ने कहा। अब गीता जी को पढ़ेंगे तो ये बात ज्ञान कति क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने कहा, सतगुण विष्णु अर्थात कृष्ण जी ने नहीं कहा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में यह प्रमाण दिया है कि युद्ध कर ले अर्जुन, जैसा कि अभी सुना था कि यदि तू मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, और तुरंत ही कहा कि लाभ हानि को छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार तो युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ये सब मैंने मार रखे, तू तो नियमत मात्र है। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि तू तो नियमत मात्र है, ये मैंने सब मार रखे, तुझे पाप नहीं लगेगा। और पुण्यात्माओं, जो महाभारत हो चुकी, कौरव सारे मर गए, 18 करोड़ सेना, 11 करोड़ तक पांडवों कौरवों की, 7 करोड़ पांडवों की, ये 18 करोड़ सेना का नाश हो लिया, सब करोड़ों बहनें विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, उनकी हाहाकार मच गई, रो रहे, रुदन मचा हुआ। और युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठ गए। कुछ ही वर्षों के बाद, कुछ दिनों के उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने लगे, जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मची है, और जैसे बहनें अपने चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा होगी जो, बच्चे अपनी माओं से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, माँ हमारा पाप, पिताजी कब आएगा, पिताजी कहाँ गया, उनको बहका रहे हैं, बेटा वो कहीं बाहर गए हैं, फौज में भर्ती हैं, अभी नहीं आएंगे, और जैसे चिल्ला रही हैं बहनें कि क्या मिल गया पापियों, तुम्हारे हमारे पतियों के खून को पी कर अब तुम राज कर रहे हो, हमारा खून पी रहे हो। इस तरह की उसकी स्वप्न में उसको ऐसे ख्वाब आने लगे, स्वप्न आने लगे जिनसे भयभीत होकर के वो भूत प्रेतों की आत्मा सतान लगी युधिष्ठिर को। और जबकि श्री कृष्ण जी पांडवों का धार्मिक गुरु थे, तो युधिष्ठिर भयभीत हो गया। जब चारों पांचों पांडवों को पता चला कि युधिष्ठिर को ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं, उसके समाधान के लिए द्वारका गए श्री कृष्ण अपने गुरुदेव के पास समाधान पूछने के लिए। उन्होंने जाकर सारी डिटेल बताई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने, कि ऐसे ऐसे भैया को, युधिष्ठिर को
ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थिति हो जाती है, कई दिन हो गए सो है ना खाता, ना सो रहा ना खा पी रहा है, बहुत बुरा हाल, आँखें फटी फटी सी रहती है, ऐसे डर सा डरा डरा सा रहते हैं। इसका कारण और समाधान बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने युद्ध में बंधुघात किया है, अपने भाई भतीजे और सेना मार डाली, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। ओ तेरा गजब, युद्ध में किए हुए वध, वो हत्याएं, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। अपुण्यात्माओं, अर्जुन तो प्रत्यक्ष श्रोता था श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण में प्रवेश करके जो काल बोल रहा था उस गीता के ज्ञान का, और गीता के ज्ञान में वो कह रहा था तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तू युद्ध कर ले। अब अर्जुन का यह बात खटेगी कि कृष्ण जी आज कह रहे हैं कि तुम्हारा पाप लगेंगे, और गीता का ज्ञान देते समय कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगे, कोई पाप नहीं लगेंगे, और आज कह रहे तुम्हें पाप लगे। अब वहां इसलिए चुप रहा कि कहीं अब मैं छेड़छाड़ कर दूं और कृष्ण जी को कह दूं कि आप युद्ध गीता के ज्ञान में तो को थे, वे पाप नहीं लगे, और युद्ध कर ले मैं मना करूं था नहीं, अब मैं तो चाहूं नहीं था वे भिक्षा का अन्न भी खा करके मैं गुजारा कर लूंगा, अब मैं युद्ध नहीं चाहूं था, और इसने हमसे युद्ध करवाया, यही कहा कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, और यदि अब मैं कह दूंगा तो मेरे भाई। अच्छा, उसी समय श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और जिसमें सभी पृथ्वी के और स्वर्ग तई के देवताओं को निमंत्रण दो, तुम्हारे घर पर आकर खाना खाऊं उस दिन, और एक शंख रखा जाएगा पांच मुंह का, पंचानन शंख रखा जाएगा ऊपर अलग से, एक सुसज्जित सटेट छटेज बना के कुर्सी ऊंची सी, उसके ऊपर एक पांच मुंह का शंख रखा जाएगा, ये बजाकर शंख है से पांच मुंह वाला, और वो शंख यदि आवाज कर गया अखंड तो समझो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, तेरे तुम्हारे दुख दूर हो सकेंगे, पाप नाश हो जाएंगे, यह संकट कट जाएगा। और शंख ने आवाज नहीं की सबके खाना खाने के बाद, तो फिर वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, ये पहचान होगी इसकी। अब पूरी पृथ्वी के जिसमें 12 करोड़ ब्राह्मण और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 56 करोड़ यादव वहीं पर खाना खाने के, क्यों रिश्तेदार थे आपस में, और भी अनाथ जीव सबको न्योता दिया गया, इतने आए हुए थे, इतना बड़ा पुण्य करवाया श्री कृष्ण जी ने, यानी धर्म यज्ञ के लिए बोला, ऐसे इतना उसमें करोड़ों रुपये लगने थे, करोड़ों रुपया लगना था। तो उस समय श्री अर्जुन ने सोचा यदि अब मैं श्री कृष्ण जी को कह दूंगा कि आप उसमें क्या कह रहे थे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लगे, क्या बोल रहे हो आप, तो मेरा भाई युधिष्ठिर ये समाधान नहीं करवाएगा, ये नो सोचेगा कि अर्जुन मेरे को स्वस्थ होने में प्रसन्न नहीं है, मेरा स्वस्थ होने में ये प्रसन्न नहीं है, और पैसे खर्च होते दिख, इसलिए बीच में यो टोका टाकी कर रहा है, ये पैसा लगाना नहीं चाहता मेरे उपचार पे। अर्जुन की सोच ये थी कि कहीं ये सोचना बैठे मेरा भाई और मैं इब जट टोक दूंगा इसने, और ये ऐसा धर्म का पक्का है अपने वचन का, इसने एक बार मन में यू सोच ली मैं उपचार नहीं कराऊंगा, मेरे भाई ने दुख हुआ है इस पैसा लगाने से, तो ये कभी उपचार नहीं कराएगा और मर जाएगा, इसलिए अपनी छाती में मुक्का मारकर अर्थात अपने संतोष के दृढ़ कि कोई बात ना, उस बात ने पीछे देख लेंगे एक बार, भाई का समाधान तो हो जाए। तो स्वीकृति दे दी प्रभु, जो तुम आज्ञा दोगे वही होगा गुरुदेव, ऐसा ही किया गया। एक दिन निश्चित कर दिया कि उस दिन उस समय वहां स्थान धर्म यज्ञ किया गया, और उसमें बहुत 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तो भी वहां बैठे खाना खाने आ गए, और स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया, लेकिन वो शंख ने आवाज नहीं की। तब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान हमारे पाप बहुत गड़े हैं, और शंख बजा नहीं हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, संकट नहीं कट सकते, हम पापी हैं,
शंख नहीं बजेगा। श्री कृष्ण जी बोले भाई शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला नहीं पहुंचा यहाँ पर। अब श्री कृष्ण जी की इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे भगवान आपने हे त्रिलोकपति आपने खाना खा लिया और इतने महापुरुष मंडलेश्वर बैठे ये ऋषि मैं ऋषि इन्होंने भोजन आहार कर लिया आपको थे इनके खाना खाने से शंख बजेगा क्या इनमें कोई भी समर्थ नहीं है। कृष्ण जी बोला नहीं वो समर्थ जिससे ये शंख बजेगा वो आया ही नहीं है। उनका नाम बताए ऐसे ऐसे दिल्ली के इस साइड में एक महात्मा रहते हैं सुदर्शन नाम है वाल्मीकि जाति में उसको क्यों नहीं बुलाया तो उसने कहते हैं भीम बुलाया भीम की ड्यूटी थी उस क्षेत्र में निमंत्रण देने की। अब भीमसेन से पूछा श्री कृष्ण जी ने कि आप ऐसे ऐसे उधर कोई एक संत बताया युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी एक महापुरुष के बारे में बता रहे हैं सुदर्शन नाम है उनको न्योता नहीं देख आए क्या कारण रहा। भीम जी ने कहा कि जी न्योता तो मैं देख आया था पर वो कुबोला आदमी है वो बहुत गलत बोलिया इसलिए मैंने उसको कह दिया तुम आवत आ जाइए ना हो तो बेशक मत आइए तेरे बिना के हमारी यज्ञ ना हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोला तो वो क्या बोला मुझे बता तो देता है कि वह क्या। श्री कृष्ण जी ने कहा उस संत के बिना ये सभी बैठे हैं ना जितने मंडलेश्वर ये सारे नरक में जाने वाले हैं आने वाले जन्म में इनके कोई पशु बनेगा कोई पक्षी बनेगा युधिष्ठिर ये सुख की महिमा के भूखे इनके पास यथार्थ ज्ञान भक्ति नहीं है। इस बात से युधिष्ठिर ने समझ सका कि भगवान इसी ऐसे महापुरुषों को महर्षि सिद्ध बैठे गोरखनाथ जैसे और जो सागर पी लें सातों एक घूट में अगस्त ऋषि जैसे बैठे और उनको कह रहे हैं कि ये सब नरक में जाएंगे इनकी साधना ठीक नहीं है। युधिष्ठिर सहम गया कहने लगा भगवान मेरा संकट तो और बढ़ गया आपने ये इसे मंडलेश्वरों के बारे में ये कह दिया कि अगले जन्म में पशु बनेंगे फिर मेरा तो और दुख बढ़ गया। भगवान कृष्ण जी बोले भाई क्या तेरे यह बात मेरी सच्ची नहीं लगती तुझे सत्य महसूस नहीं होती। युधिष्ठिर बोला भगवान ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप असत्य बोल सकते हो नहीं लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है मेरी समझता को ना कि ये पशु पक्षी बनेंगे इसे महापुरुष। तब श्री कृष्ण जी ने अपना ऐसे आशीर्वाद भरा श्री आत्थ ऐसे घुमा दिया उन मंडलेश्वरों के ऊपर जो बैठे थे वहाँ बड़े बड़े आसना पहने चौड़े हुए तीन तीन तिलक लगा के दाढ़ी मूछ बढ़ा के तो उसमें क्या देखा युधिष्ठिर ने कि देख युधिष्ठिर अब उसी आसन पर जहाँ वशिष्ठ जी बैठे थे उसको जैसे कैचवे का रूप बना रखा हो विश्वामित्र बैठे थे वो किसी हिरण का रूप बनाकर खड़े हैं कोई नाग का रूप है कोई मच्छर का कोई मक्खी का और ऐसे कितने प्रकार के उनके रूप बन गए प्रत्येक के न्यारे न्यारे कुछ एक के मिलते जुलते। अब श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अपनी लीला को बंद करो मैं देख नहीं सकता इनकी ये दुर्गति। श्री कृष्ण जी ने कहा ये हकीकत है लीला मत समझना अभी अपने पुण्य को खाकर स्वर्ग में बैठे हैं देवता वहाँ समाप्त करके वापस आएंगे कोई गधा बनेगा कोई कुत्ता बनेगा कोई मुर्गा बनेगा कोई खच्चर बनेगा इनमें से। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर साहब अपने सुख संवेद में सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी और 33ों पर तलब है कोई बकरा कोई बोक ये 33 करोड़ देवताओं को भी काल का तलबाना है और जन्म मरण मृत्यु में ये रहेंगे और कोई बकरा बनेगा कोई बोक बनेगा वही सब संवेद बता रहा वही प्रमाणित है क्योंकि उनकी शास्त्र अनुसार साधना नहीं है। अब शास्त्र अनुसार साधना नहीं है इनकी ऋषियों महर्षियों की ये ई भी याद जच्चे ना किसे के अब ये भी कंसेप्ट गेल क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो दास प्रवचन सत्संग परमात्मा की सूक्ष्म ज्ञान सब संवेद का विवरण साथ साथ दे रहा है इसकी हम कैसेट तैयार कर रहे हैं और ये सीडी समाज में प्रवेश कर रहे हैं तो जो नया भक्त सुनता सुनता आएगा और ये प्रवचन करके छोड़ दिया कि फिर ये सभी ऋषि महर्षि शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे शास्त्र वेदों अनुसार नहीं थी तो ये बात उनका जचे नहीं और इस सारा का सारा जो हमारा वचन प्रवचन व्यर्थ हो जाएगा उसके लिए इसलिए यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि इन
ऋषि महर्षियों को कुछ भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और ये है गोविंद भवन कार्यालय मुद्रक प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गोरखपुर में। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 28 और संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद और यहां से पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं और चार भुजाएं, वे वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, वो जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, जगत गुरु का है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्रीहरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, यानी किस भगवान की भक्ति करते हो। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी की विनत बातें सुनकर 28 पर ही ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे ब्रह्मन सावधान पूर्वक सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ, देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संहार संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी गुरु पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और सार करने की योग्यता ये हम जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। ब्रह्मा जी हम सभी शक्ति के सारे अपने कार्यों सदा सफल होते हैं आए हैं, स्वर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरणों में तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागने पर अवसर आते ही जाग जाता हूँ, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, तप उस शक्ति के साथ शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता, कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ राक्षसों के साथ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 नंबर चल रहा है पृष्ठ, 28 पहले पढ़ लिया। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ दुर्गा की, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अरे वाह, आ गया श्री विष्णु जी के ज्ञान का अंत। वो कहता दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, मैं तो इससे की पूजा करता हूँ और घोर तप करता हूँ। अब दुर्गा क्या कहती है इसी विषय में 562 पृष्ठ पे दुर्गा हिमालय को अपने वचन अपना ज्ञान सुना रही है। ये देखिएगा 562 पृष्ठ है संक्षिप्त देवी भागवत और सातवां स्कंद 562 के नीचे आते हैं। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन।
श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। अपनी भी विधि बता रहे मेरी करना है तो ऐसे कर, यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर ऐतुकी भक्ति से के साथ करना चाहिए। और उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अब देवी कहती है किसी और यानी ब्रह्म की भक्ति करो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत सभी में स्थित हृदय रूप गुहा गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात जिसकी बुद्धि में किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही परम सत्य। अभी इन्होंने अक्षर ब्रह्म कहा है क्योंकि ना दुर्गा को ज्ञान ना विष्णु को ज्ञान, यानी वो जो ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कहते हैं, कहीं पर ब्रह्म कहते हैं, कहीं केवल ब्रह्म ही बोलती है। आगे देखना 563 पृष्ठ पर चल रहे हैं। वही अमृत अविनाशी तत्व सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो तीर है, ओम का तो जाप करे और जीवात्मा करे यो बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म की पूजा करनी है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी इस ब्रह्म को टारगेट बनावे, ब्रह्म की पूजा करे लक्ष्य बनाकर। वह उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है, पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार के रथ के चक्के में आरे लगे होते हैं, इसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में व्यक्त होती है, ऐसे ऐसे अंतर्याम रूप से उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। ओहो, अंतर्यामी वर्तमान रहता है उस आत्मा का, ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वह ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अरे वाह, नीचे देखो, वह अमृत रूप ब्रह्म ही आगे, ब्रह्म ही पीछे, ब्रह्म ही दाहिने बाएं है, वही नीचे ऊपर फैला, वह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अब दुर्गा ने लाकर छोड़ दिया कि ब्रह्म ही पूज्य है, इसकी पूजा करो, इसका ओम मंत्र है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर को भगवान ने ना जानता। अब आगे क्या बताया है कि 414 पृष्ठ पे ये कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि, सतयुग में ये वशिष्ठ जी, नारद जी और विश्वामित्र जी, ये कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण ज्ञानी थे, विद्वान थे। अब तेरा कहते भैया, अब 414 पे क्या बताया है, प्रश्न नंबर 414, वही देवी पुराण संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नर्प शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण ब्राह्मण यही थे जो विश्वामित्र वशिष्ठ जी, मनु जी, व्यास जी, ये सारे वेद के पूर्ण विद्वान थे,
निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा का की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे भला पुरुष भले पुरुषो। और 563 में दुर्गा कह रही है को तो ओम का जाप करो, दूसरा सब बातें छोड़ दो, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, सारा संसार भूला पाया हमने तो, इसी बोल में ब्रह्मा भूला, जिसने वेद सरसाया, वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया, उसने वेद का खुद ज्ञान नहीं। और इसी भूल में विष्णु भूला, जिन वैष्णव धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, इसी भूल में शंकर भूला, जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर और घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। बता तो प्रसंग चल रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि सारे वेद ज्ञानहीन थे, जिस कारण से इनको तत्व ज्ञान न मिलने से इनकी जन्म मृत्यु और कर्म का दंड समाप्त नहीं हुआ, और ये सभी 84 लाख योनियों को भी भोगते हैं। अब उस समय श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने प्रेरित करके सच्चाई बोलने के लिए विवश किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो वास्तव में एक परम भक्ति युक्त सुदर्शन नामक सुपच है, वो वाल्मीकि जाति में जन्मा है, वो तत्शास्त्र अनुकूल साधक है। और उस समय क्या था कि कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा द्वापर युग में करुणा में नाम से आए हुए थे, एक लीला कर रहे थे, जैसे सत कलयुग में कबीर नाम से आकर के 120 वर्ष रहे, ऐसे ही करुणा में नाम से परमात्मा प्रवट प्रगट होकर के सहसरी राय थे, बालक रूप धार कर फिर बच्चे से बड़े हुए धीरे धीरे, फिर वो ऐसे। और परमात्मा उस समय वाल्मीकि एक भक्त भिक्खु था, उस वाल्मीकि के द्वारा उनका जैसे कलयुग में एक दुलाहे के द्वारा परवरिश होने का बहाना हुआ, उस समय एक वाल्मीकि के द्वारा हुआ। तो वाल्मीकि कहा करते थे परमात्मा को, वाल्मीकि कुरुणा में वाल्मीकि। तो उसी जाति में उन्हीं के आसपास एक उनका मित्र था सुदर्शन, उनका भक्त हो गया था, वो सत साधना किया करते थे, उसको भी सुदर्शन जी को भी वहाँ सतलोक का दर्शन कराया था, फिर वापस छोड़ दिया था। तो वो सुदर्शन अपनी सत भक्ति करता था, तो भीम से कहा कृष्ण जी ने कि क्या तू उनको बुलाने नहीं गया महापुरुष को? भीम ने कहा मैं गया तो था पर वो कुबोला आदमी है, गलत बोला मेरे थे। श्री कृष्ण जी बोले क्या कहा उस सुदर्शन जी ने, तुम्हारी वार्ता क्या हुई? भीम ने जाकर सुदर्शन जी से कहा कि महात्मा जी मैं राजा युधिष्ठिर का भीम भाई हूँ, भीम सेन मेरा नाम है, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप वहाँ आइएगा, आप आमंत्रित हैं। अब वो परमात्मा के ज्ञान से परिचित सुदर्शन जी कहने लगे कि भीम तुम्हारे अन्न को खाकर नरक में मैं नहीं जाऊंगा। अरे भले आदमियों, करोड़ों बहन रो रही हैं, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ हो गए हैं, और उनके खून को पीकर तुम राज्य कर रहे हो, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक जाएगा, ऐसी गलती मैं ना करूं। और यदि मुझे लेकर चलना है तुम्हारी यज्ञ में तो 100 अश्वमेघ जो तुम आज करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मुझे दे तो मैं चलूं, तारा तो नाश होगा, वो तुम्हारा विनाश होगा, तुमने ऐसे जुल्म कर दिए, और इस राज के टुकड़े के लिए, और 10 दिन के बाद तुम भी नहीं रहोगे यहां पर, तुमने भी जाना छोड़कर इसको क्या सोचा तुमने? अब ये क्योंकि संत जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, जो घना मीठा बोलो संत नहीं होता, संत तो कड़वी कुनीन खिलाया करे, रोग काटता है, युराजी हो चाहे दराज हो, रोगी ने रोग कटवाना है तो कुनीन खानी पड़ेगी, ये कड़वी सच सुनना पड़ेगा। अब भीम का गुस्सा उठ गया, भीम ने सोची यो अच्छा निकम्मा हमें गलत बोल रहा है, कहने लगा बाबा जी
आना होता है जी ये ना फल तू मत बोला तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा, और मेरे को आदेश नहीं है भगवान कृष्ण का और मेरे बड़े भाई का ना तेरा कचूमर काट दो भाई भाई, तो इतना गलत बोल रहा है। अब राजा में अभिमान हो जाता, वो किसी की ना नहीं सुन सकता, परमात्मा चुप हो गए, ठीक है मूर्ख गिल्ला के मूर्ख हो मैं, वो न्यू कह के आ गया। यह सारी वार्ता श्री कृष्ण जी को बता दी, श्री कृष्ण जी कहने से कहा कि मैं ऐसे बोला, वो न्यू बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा तने ते एक पाप और इकट्ठा कर लिया, संत को दुखी कर दिया। कहते संत 57 कोटि पाप है, अनगन हत्या अतरा अपराधम, एक संत को दुखी करने का सताने का इतना पाप है जैसे अनगन हत्या कर दियो इतना अपराध लग जाता है तुझे। आपने महात्मा के वचन सुनकर वापस आ जाना था, फिर हमें बताना था। अब भीम का तो अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण रहे, भगवाना के भगवान, और हमारे यज्ञ मन पूर्ण होने में क्या दिक्कत होगी। हाँ फिर जब वो जब आँख खुली उनकी, जब कृष्ण जी ने भी रोटी खा ली खाना खा लिया और कुछ ना हुआ, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हारा कल्याण उसी महापुरुष से हो सकता है। और नाक रगड़ दो उनके सामने, वो राजी हो जाए यहाँ आने के लिए, जबरदस्ती तो ठाण की जरूरत को ना, फिर तो लाभ नहीं होगा। नाक रगड़ो चल कर उसके क्षमा याचना कर अपने बोले हुए वचनों से, वो प्रसन्न होकर आएंगे तो बात बनेगी। अब उधर से सुदर्शन जी ने करुणा में जी अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पांडवों ने कोई यज्ञ किया है और वो मुझे बुलाने आए थे और मैंने उनको खरी खरी सुना दी। तो परमात्मा बोले भाई उनका यज्ञ पूर्ण ना हुआ। कबीर जी बोले यानी करुणा में जी कहने लगे उनका यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ और वह फिर आओगे तेरे आगे नाक रगड़ गए, वो फिर आओगे भाई इसी बात ना है। अब तो वो रेफड़ कर चला गया भीम, वो फिर आओगा, पर माफ कर दिए, माफ कर दिए भाई, संता की संत तो माफ करते हैं। अब उस युद्ध उस सुदर्शन जी ने सोचा वो फिर शर्मा दर्द करेगा, और उनका गुरु जी बताते हैं कि उनके अन्न तक खाओगा वो निषिद्ध नरक जाओगा। ये सुदर्शन ने जी ने सोचा तू यहाँ से खिसक जा, फिर आओगे इतने 10-15 दिन की तो लंबा टूर खींच गया। सुदर्शन जी तो छोड़ गया अपने आसन ने चला गया आश्रम ने घर ने लंबा टूर प्रोग्राम बना के, और पांचों पांडव और गिल्ले श्री कृष्ण साथ में एक रथ लेकर चले, रथ को छोड़ दिया एक योजन दूर, एक योजन दूर यानी 4 कोस की दूरी पे, वहां से नंगे पैरां चल पड़े, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। वहां क्या किया परमेश्वर ने, सुदर्शन रूप धारण किया करुणा में यानी कबीर देव ने, परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म ने, और सुदर्शन जी की झोपड़ी में बैठ गए। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने जाते प्रणाम किया, क्योंकि सामने बैठे वह मालिक, अब वो एकदम झुकगी गर्दन श्री कृष्ण जी की, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो एक काम अड़ा पड़ा था। फिर देखा देखी पांडुआ ने भी करना पड़ा, ये तो श्री कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में, सुदर्शन जी कहूँ मैं तो अच्छा रहेगा, सुदर्शन जी के ही रोल में मालिक बैठे थे। सुदर्शन जी ने कहा कि हे परवरदिगार, हे त्रिलोकीनाथ, दास के सामने आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, आप तो महापुरुष हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वेश्वर हो। श्री कृष्ण जी बोले भगवान आप तो मालिक हैं, आपने आपको छुपा रखा है, आप ही परमात्मा हैं, कृपा आप ये पांडव हैं इनकी यज्ञ में चलिए, ये आपको सादर बुलाने आए हैं। तो परमात्मा ने उस परमात्मा रूप में सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भगत से एक प्रश्न रखा था, वो शर्त मेरी पूरी करो, एक शर्त रखी थी तो मैं चलूँगा नहीं तो मैं नहीं चलूँ। अब भीम ने कहा, भीम समझ गया क्या शर्त थी, श्री कृष्ण जी ने बोला प्रभु आपकी क्या शर्त थी कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल तुम्हें दिया जाए पांडवों की तरफ से। तो परमेश्वर आप ही की वाणी है सूक्ष्म वेद में, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो यज्ञ कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आज ये दास द्वारकाधीश और मैं इनका रिश्तेदार, और ये बच्चे आपके, अब इनका ऐसा काम अड़ गया सारे देश में तो बेइज्जती होगी,
और इतना खर्चा हो गया और दुख नौका इनके सिर पर रखा, इनके दिल में जरा सा भी अभिमान नहीं, आप अंतर्यामी है जाकर देख लो परमात्मा। और ऐसे अति अधीन होकर के जो आपके दरबार की तरफ प्रस्थान करता है, एक कदम का आप कहते हो 100 यज्ञ का फल मिलता है। अब 4 योजन तक हम नंगे पैरों पैदल आए हैं, और जहाँ से हम चले वो रथ से, वहीं से आप काउंट कर लो परमात्मा कितने कदम बढ़े हैं। आपने 100 यज्ञ आप रख लो, से समय दे दो आप, हमारा उद्धार हो, हमारे पास रहे। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जय कोई धन का भूखा हो वह संत भी नहीं, वो साधु नहीं। इस बात को सुन के भगवान प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण जी के साथ चलकर चलने को तैयार हो गए उनके साथ। तब जब पहले भीम आया था ना, वो एक तालाब में स्नान करके आया था, और उस तालाब में जब उसने स्नान किया, कहते हैं उसके पैर भी ना टिके थे, और वो क्या था, कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, ये शरीर के सिर के ऊपर ना एक कैप सी लगा रखी है भगवान ने, न्यारी उतर जाए या कति, वो खोपड़ी बोल रहे खप्पर कहें इसको। तो परमात्मा ने कहा, कबीर रूप में सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि भाई भीमसेन, या मेरी सुमरणी तार के दिए माला टंगरी थी खुट्टी पे, ले चल तुम्हारे साथ चल लूंगा। अब भीम उस माला ने तारण गया, आसी मोटे मणिया की थी, लेकिन माला इतनी ताकतवर नहीं होती कि ना उठे भीम के से योद्धा था जिसने हाथी फेंक दिया आसमान में, लेकिन उनकी शक्ति और अपनी शक्ति का समर्थन दे था भगवान कि तेरी तो शरीर की शक्ति और हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड चला रखे। तो भीम उस माला को उतारण लग गया था, उस पर उतरी को ना टस से मस ने कति होंगा लो दिया पहलवान आदमी, और छोड़ कावत बेजती हो उसका चेपट रहा। तो परमात्मा बोले रे क्या हो गया भाई पहलवान, जब तक तू डींग मारे था कि युद्ध के हुए जीत लिया, एक का मारूं था लठ गदार 20 मरे थे, इब कहाँ इतनी शक्ति, या 200 ग्राम या पाइया की माला ना उतरती तेरे ते, जान गया कि तो समझ गए तेरी फ्यूज करना चाहे थे, पेंचर कर दिया उसकी अभिमान में रह खया। परमात्मा बोले आ जा इधर, आप आ जाएगी अतः, ऐसे हाथ किया था भगवान ने, वह माला उठ के अपने आप उसके परमात्मा के हाथ में आ गई। अब कुछ चमत्कार को भी नमस्कार होता है, परमात्मा ने हर तरह से उनका पेटा भरना था कि मैं शक्ति भगवान हूँ, और जब वह विश्वास इसी विश्वास के साथ संत को घर ले जा, जब उसका सुख लाभ भी मिले, उसका पूजा सेवा हो तो तब लाभ मिला कि सचमुच ही तो भगवान ने पढ़िया है। तब परमात्मा ने कहा तू के डींग मारा था उस दिन आया था कि मैं एक मारू था 10 मरे थे, तुम्हारे पास कुछ ना है, तो तुम्हें तो शक्ति दे रखी काल ने, और मेरे पास वो पावर है जो मैं पूर्ण परमात्मा की, और तेरे बड़े बड़े बलवान होकर जा रही है इस पृथ्वी पर कुबद करके, भाई जिस तालाब में तू उस दिन नहा के गया था, जिस दिन तेरे पाँव भी ना टिके थे, नू कह था बड़ा अच्छा पानी है मेरे, इतना गहरा सरोवर है, और भीम और भी 20-20 फुट के थे, 20-20 फुट की ऊंचाई के थे भीम, और कहते मेरा पैर भी ना टिके थे उसमें, वो बताऊं कौन था, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, वो खप्पर ऊपर ऊपर का कवर, तो देख लो कुंभकर्ण कितने लंबे चौड़े होंगे, 50-60-70 फुट 80 फुट के लंबे होंगे वह थे वह। अब रावण के विषय में लिखा है परमात्मा ने सूत संवेद में कि वो एक समय में 100 मटके दारू के पिया करता, एक बार में 100 प्याले थे उसके मटके थे, इतना तगड़ा आदमी, और 100 झोटियां का मांस एक बार बैठ कर खाया करता, तो कितना तगड़ा, कितना शरीर का विस्तार होगा उसका, कितना डाया होगा पेट का हिसाब ला लो, तो कितना कद होगा उन लोगों का। और भीम सबसे लास्ट के तो तीसरे युग में आकर के लास्ट में, वो भी अन्य प्राणियों से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कहा तेरे जैसे शक्तिशाली करा कितने होगा जालिया जिन्होंने भक्ति ठीक ना करी, उनको कोई गिनती ना भाई इस शारीरिक अंगे की। अब भीम तक कति फ्यूज हो गया, अरे तेरा गजब हुए, मैं हुए फुल्ला फनू था, मेरे तो बड़े बड़े बलशाली हो गए। कहने का भाव यह है कि परमात्मा वहां सुदर्शन रूप में गए, और फिर द्रौपदी ने खाना बनाया, श्री कृष्ण जी ने कहा बहन, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा भी अर्जुन का ब्याही थी और द्रौपदी भी उन 5 पांडवों की पत्नी थी,
इसलिए अपनी बहन के नाते से बहन कहकर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बहन द्रौपदी बढ़िया भोजन बनाइए, महात्मा आए हैं ना, इसके भोजन आहार करने से तुम्हारा काम पूर्ण होगा, यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी ने अपने हाथा खाना बनाया, क्योंकि जमा ब्रांड मट्टी होली थी उनकी, तो चौगरदा बेजती होने लग रही थी। अपने हाथों खाना बनाया, कई प्रकार के भोजन, कचौड़ी पकौड़ी दही बढ़ेर सब्जी साग खीर खांड जो है हलवा पूरी सब तरह के तैयार किया। और नो सोचा था कि ऐसा भोजन बना दूंगी ये घास फूस खानी आदमी दिखे, क्यों परमात्मा सुदर रूप में थे वाल्मीकि के घर के जन्म में, घर में जन्म तो नहीं था यानी उस वर्ण में वो बचपन से रह रहे थे, इसलिए उसी वेशभूषा में जैसे जुलाहार रूप में रहा करते नो कति बोड़े से, इस वेशभूषा में थे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ी जैसे कई दिन ना नहाए हों, इस प्रकार का शरीर पाटे से कपड़े टूटे से जूते और बैठे नो। अब द्रौपदी ने सोचा घास फूस तोड़ के खानी आदमी, आज इसे चटपटे भोजन खवा दूंगी, अंगली चाटता रह जाकर 20 जगह जाकर गुणगान करेगा इसी भोजन कितना नहीं खा, ऐसा द्रौपदी ने खिला दिया। और प्रत्येक बहन की ये आस्था होती है कि अतिथि को अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराऊं, ताकि कहीं जाकर न्यू ना कह दे कि उस बहन के नमक सब्जी में नमक कम था, यानी कुछ भोजन भी ना बनाना था उसने, कि त्रिवेजती ना हो जाए। एक विशेष ख्यास होती है और होनी भी चाहिए ये। तो उस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने सोचा था कि महापुरुष उंगली चाटेगा, छह बार न्यू कहेगा वाह भाई वाह बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाया और खुश होएगा। तो महात्मा जी के सामने वो सब प्रकार के न्यारे न्यारे भोजन पकवान अलग अलग कटोरिया में धर दिए, कौलियों में। अब उन्होंने क्या किया, प्रत्येक कटोरी तक जितना भी भोजन लेना था वो थाली में डाल लिया, इतनी खीर डाल ली, इतनी सब्जी, इतनी दही, इतना पकौड़ी, इतने कचौड़ी, पूरी पारी माए तोड़ ताड़ के घोल दी, इकट्ठा बना लिया खिचड़ी सी और लग गया खाण। जब वो ऐसे करने लगा कि द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वह सोचा तो थी नो ये नारे नारे आइटम खाओगा, उंगली चाटेगा, सौ सौ बार गुणगाओगा, और जब देखा कि इसने सारा काम बिगाड़ दिया तो मन में सोच लिया कि यो कि कहाँ के शंख बजाओगा, इस सूदर ने खाना आता ना पीना आता है, मेरे बने बनाए इसे बढ़िया भोजन का सत्यानाश कर दिया इसने, है कड़े का सूदर का सूदर ही रहा, ये मन में इतना दोष पैदा कर लिया। अब अंतर्यामी सारी जाने थे जो के सोच रही है बावड़ी, उसके मन का बह वो बड़ काढ़े थे अभिमान। उसने क्या किया, एक बार ग्रास खाया न्यू करके, एक बार शंख ने आवाज करी जो दूर रखा था, दूसरी बार खाया दूसरी बार आवाज करी, तीसरी बार खाया तीसरी बार आवाज करी, पांच बार में जितना थाली में भोजन डाला था सारा चाट दिया, और ही पांच ही बार वो शंख बोला फिर बंद हो गया। युधिष्ठिर जी ने खुशी मनाई, ओको हो ए भगवान आनंद हो गए, जान बची लाखों पाए, मारा यज्ञ पूर्ण होगी आपकी कृपा से, बड़े महापुरुष ने लाए आप तो ढूंढ गए। श्री कृष्ण जी बोला भाई अभी ये शंख अभी ये यज्ञ पूर्ण ना हुई, ये तो भाई अखंड बजना चाहिए था, ये शंख पांच बार बोल के बंद नहीं होना चाहिए था, बहुत देर तक या तो आवाज जमा स्वर्ग तक जानी चाहिए थी इसकी। तभी दृष्टि फिर गोडे ढीले हो गए, भगवान अब किसने लाओगे बुला के। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इस तो ऊपर कोई महात्मा को ना, इस बाल्मीक तो ऊपर यो तुमने के बाल्मीक सा दिखा है, ये बाल्मीक के बाल समनाई तीनों लोक, इसके एक बाल के बराबर भी ये तीन लोक नहीं, इतना समर शक्ति युक्ति प्राण ये महापुरुष है संत है। युधिष्ठिर से कहा श्री कृष्ण जी ने भाई अपने घर में कोई कमी है वह ढूंढते हैं, कोई त्रुटि है अपने घर में। जब द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने, द्रौपदी से पूछा बहन साची बात बताना, जब इस महापुरुष ने ऐसा ऐसा किया तूने क्या सोचा मन में। श्री कृष्ण जी जान गए भाई द्रौपदी बिगाड़ रही है कर्म ना, कर्म ना अपने ने, जिस कारण से तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। द्रौपदी ने साची बता दी भगवान जब मैंने ते दो घंटे तक ख्या धूमा माख फुड़ाई, अपने हाथों भोजन बनाया, अन्य सोचा था महाराज खावेगा और अंगड़ी चाटेगा,
जब इसने सारा काम बिगाड़ दिया, मैंने ऐसा ऐसा सोच लिया कि रहा यू शूद्र का शूद्र, इस गलीज ने खाना अंदाना पीना आता है, कितने ठहर गया इसे। मेरे मन में ऐसी दुर्भावना इस संत के प्रति आ गई। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये महापुरुष तेरे अलवा पूरी खान दिया, तीन ताश जोड़ के लाए थे हम, और द्रौपदी अपने घर ने सब दो रोटी खा कर सोए हैं, तो किस किस ने हलवे खुआवेगी, किस किस को हलवे खिलाती है कि अभिमान कर लिया तूने, ऐसा कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और संत के प्रति ऐसा सोचना भी तेरे पाप लग गया। द्रौपदी कहने लगी क्या करूं भगवान, के चरण धो इस महापुरुष के अपने हाथों से और पी उस धूल युक्त जल को, तेरा पाप कटे और तुम्हारा शंख बचे। उसी समय द्रौपदी लाई एक थाली बड़ी ऐसी प्रांत और उसमें रख के अपने हाथों महापुरुष के चरण धोए सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में परमात्मा बैठे थे, कबीर देव बैठे थे, सुदर्शन तो चला गया था लेकिन सुदर्शन ही कहेंगे क्योंकि कहते क्रय करावे साइयां मन में लहर उठा और दादु सरदर जीव के आप बगल हो जाए, अपनी प्रभुता नहीं चाहते प्रभु। तो द्रौपदी ने वो उल्टा डाला है कटोरे में धोके वो चरणामृत और पीने लगी, आधा पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे। श्री कृष्ण जी ने बेरा थी और तो पियो गुना क्षत्रिय बैठे सारे और ये नहीं टोकूंगा तो ये फिर को पाप के भागी बन जाएंगे। नो बोली बोला कि बेबे मुझे भी दे दे बहन, मेरा भी कुछ उद्धार हो। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत पिया थरे कृष्णचंद्र करतारा, जिसने तुम एक बाल्मीक कहो थे और शूद्र जाति का कहो थे, उसके चरणा का चरणामृत तुम्हारे श्री कृष्णचंद्र करतार ने, तुम्हारे भगवान ने उसके चरणों का चरणामृत किया। और फिर वो शंख बजा, स्वर्ग ते धुन गई, सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे फूलदार थे सब में बाहर आ गई और फलों से लदपद हो गए। बोलो सतगुरुदेव, परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचन हर कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक के विषय में और सदग्रंथों के विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप की भूमिका करने के लिए कुछ समय के लिए इस काल लोक में आते हैं। पुण्यात्माओं, आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे कि गीता जी का ज्ञान किसने कहा। गीता जी का ज्ञान क्लियर करने के लिए किसने कहा, ढेर सारे प्रमाण देने पड़े, ये प्रूफ देने पड़े। उसी का प्रसंग चल रहा है कि जैसा कि युधिष्ठिर जी को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे जिससे वो भयभीत रहते थे, उसको ऐसे प्रेत दिखाई देते थे, प्रेत आत्माएं जिनके शीश कटे हुए हों और वो घर में घुस रहे हों, हाहाकार मच रही हो, और उस संकट के निवारण के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी ने उनको समाधान बताया कि तुम एक यज्ञ करो, और यज्ञ के लिए बताया कि एक अलग से पंचमुखी एक शंख रखो अलग से, और उसमें सभी देवता ऋषि महर्षि सिद्ध और अन्य जनता सभी को धर्म भंडारे के लिए यानी धर्म यज्ञ भंडारा में जीवने के लिए आहार करने के लिए आमंत्रित करो, ऐसा समाधान बताया। तो ऐसा किया गया, सभी ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, अर्थात उनका तीन ताप भी नहीं नष्ट हुआ, ना श्री कृष्ण जी से
न श्री कृष्ण जी के आहार करने से या उसके आशीर्वाद से, और न ही 88,000 ऋषियों के आहार से व भोजन करने से, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 9,84 सिद्धों से, किसी से भी वो 3 ताप का जो कष्ट था, संकट था, दूर नहीं हुआ। 3 ताप के अंदर एक ताप ये भी है जो किसी देव का रुष्ट हो जाना या भूत प्रेत पितरों का के द्वारा सताया जाना, तो वो संकट भी किससे दूर हुआ? उस शास्त्र अनुकूल साधक से, सुदर्शन जी से, जो कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की सत्य भक्ति कर रहा था, परमेश्वर कबीर जी की साधना कर रहा था। वैसे तो ये निष्कर्ष आपके सामने आ चुका है कि कबीर परमेश्वर जी ने सुदर्शन रूप धारण करके और स्वयं ही वहां पांडवों की यज्ञ में जाकर के आहार किया, आहार किया तो वो शंख बजा था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब सुदर्शन जी तो चले गए थे अपना आसन छोड़कर, घर छोड़कर, कि ये फिर आवेंगे पांडव मुझे बुलाने के लिए और मेरी भक्ति नष्ट होगी, मैं नहीं, इसलिए वो खिसक गए थे अपने भगत की इज्जत रखने के लिए, पत रखने के लिए और अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए। परमेश्वर स्वयं कबीर देव, कबीर भगवान, जो करुणा में नाम से द्वापर युग में आए हुए थे, पांडवों के यज्ञ में गए और उन्होंने वो पंच ग्रास 5 बार खाया, जो आहार 5 बार बोल कर बंद हो गया, जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना। और फिर द्रौपदी के अंदर मन में दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए प्रभु ने 5 बार शंख बजाकर बंद कर दिया, अखंड नहीं बजाया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी तेरे मन में खोट है, तूने संत के बारे में ऊंच नीच सोचा है और इसीलिए शंख नहीं बजाया, तेरे मन की मरोड़ निकालन लग रहे हैं ये। तब द्रौपदी जी ने उस सुदर्शन रूप में विराजमान परमात्मा के चरण धोए, जो वाल्मीकि वर्ण में आए हुए थे, और चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। तब परमात्मा प्रसन्न हुए तो वो शंख बजा, ऐसा शंख बजा के स्वर्ग तक उसकी बहुत समय तक धुन गई।